हेलो फ्रेंड्स बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बन्ना जी हॉस्पिटल आ चुकी हैं और आज उनका ऑपरेशन होना है और राजेश बागले और साथ में उनकी बेटी सखी ये दोनों ही हॉस्पिटल आए हैं वंदना को लेके और बाकी लोगों को उन्होंने नहीं लाया है क्योंकि आना तो सभी चाहते थे सोसाइटी के लोग भी चाहते थे लेकिन राजेश वागले नहीं चाहते थे कि हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ लगाया जाए तो केवल बाप बेटी यानी कि सखी और राजेश वागले आए हैं और दोनों ही एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं क्योंकि अभी डॉक्टर जो हैं वन्ना को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने वाले हैं और ये देखिए हमारी बन्ना जी जो हैं वो स्ट्रेचर से आ भी रही हैं ओ में जाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में तो मिस्टर राजेश वागले और सखी वहां पे आते हैं और काफ़ी इमोशनल सीन है यहाँ पे क्योंकि साथ छूट रहा है कुछ वक्त के लिए यानी कि जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक काफ़ी तनाव का समय है सभी के लिए जो हॉस्पिटल में राजेश वागले जी और सखी हैं उनके लिए भी तनाव का समय है और जो लोग घर पे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी तनाव का समय है तो इधर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन्ना जी की मामी हैं बाई है उसके बाद तिवारी जो कि वहाँ का आपको सिक्योरिटी गार्ड है उनके फ्लैट का साई दर्शन का वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है और इधर हमारे जो छोटे साहब हैं यानी कि अदरव जी जो कि नदी की मिट्टी लाए थे बप्पा की मूर्ति बनाने के लिए वो बप्पा की मूर्ति बना रहे हैं और माँ के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है घर पे राधिका जी श्रीनिवास जी विद्या मनोजता सभी कोई भगवान से ईश्वर से वंदना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये ऑपरेशन भी हो जाए और ऑपरेशन पूरी तरह से सफल हो लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव में हॉस्पिटल में सखी और मिस्टर राजेश वागले हैं क्योंकि वो सब कुछ को अनुभव साथ रह के कर रहे हैं और इधर ऑपरेशन थिएटर में लगातार ऑपरेशन चल रहा है डॉक्टर पूरी तरह से लगे हुए हैं अदर जो है वो बप्पा की मूर्ति लगभग कंप्लीट कर चुका है और साथ ही भगवान से मना भी रहा है बप्पा से कि उसकी मम्मी ठीक हो जाए तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर आते हैं ओटी के बाहर शखी और राजेश बागले खड़े हैं तभी सीनियर डॉक्टर आते हैं और बहुत खुशी से कहते हैं कि ऑपरेशन सफल रहा अब तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है और बस अब उनका वेट कीजिए उसके बाद आती है डॉक्टर सुधा और वो भी बहुत खुशी के साथ बताती हैं कि हंड्रेड परसेंट ऑपरेशन सफल रहा है और साथ ही उनका ब्रेस्ट इंप्लांट का काम भी हो गया है सफलतापूर्वक और अब राजेश वागले को और सखी को चैन आया ये लोग ठंडी सांस लेते हैं और तुरंत फोन करते हैं गुनगुन -गुन फोन उठाती है क्योंकि अदरव का हाथ मिट्टी में सना हुआ है गंदा है और वो अदरब को स्पीकर पर रखकर बात करने के लिए फोन देती है अदरब को जैसे ही पता चलता है कि मम्मी का ऑपरेशन हंड्रेड परसेंट सफल रहा और ब्रेस्ट इन प्लांट का सर्जरी भी सफल रहा तो वो खुशी से चकित रह जाता है उसका चेहरा खुशी से रो पड़ता है और वो सोचता है कि जल्दी से सबको खबर कर दूँ और वो खुशी से सबको खबर कर भी देता है और सबको काफ़ी फ्लैट में सभी को काफ़ी खुशी होती है अब इधर राजेश वागले और सखी को आकर डॉक्टर सुधा और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर के बताती हैं कि वन्ना जी को होश आ गया है पहले हम लोग उनसे थोड़ा मिलने जा रहे हैं उसके बाद आप लोग भी उनसे मिल सकते हैं उसके बाद वो दोनों डॉक्टर आती हैं वन्ना के पास और वन्ना को थोड़ा सा आवाज़ देती हैं ताकि वो पूरी तरह से होश में आए और उनकी बात सुने बन्ना होश में आती हैं आंखें खोलती हैं धीरे धीरे और डॉक्टर की तरफ देखती हैं तो डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि वन्ना जी आपका ऑपरेशन काफ़ी सफल रहा है तो बन्ना खुश तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शरीर के खोने का एक अंदर से पीड़ा भी है तभी डॉक्टर सुधा बताती हैं कि ऑपरेशन में आपका जो कुछ आपसे छिन गया था जो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा छिन गया था उसे आपके पति ने आपको लौटा दिया है और ये लोग बहुत खुशी से बताती हैं बन्ना जी को कि बन्ना जी आपका ब्रेस्ट इन प्लांट का सर्जरी भी साथ ही हो गया है ये जानकर काफ़ी खुशी होती है वन्ना को लेकिन फिर भी वो खुशी प्रकट नहीं कर पाती क्योंकि काफी वो इमोशनल हो गई है और तब तक राजेश डॉक्टर चली जाती है और राजेश वागले और सखी वहाँ पे आते हैं वो काफी इमोशनल नजरों से यानी कि भावुक नजरों से राजेश वागले जी को देखती है सखी को देखती है और समझ जाती है कि राजेश वागले ने यानी कि उनके पति ने उनको इतना बड़ा उपहार ब्रेस्ट इन का खुद से नहीं दिया है बच्चों ने भी इनका साथ दिया है और वो काफ़ी इमोशनल हो के पति को अपनी बेटी को सहलाती हैं उन्हें छूती हैं सखी का गाल सहलाती हैं और इधर बप्पा की मूर्ति के सामने अदरव अपनी दादी के साथ खुशी से हाथ जोड़ के खड़ा है यानी कि ये दस दिन के बाद का सीन चल रहा है हॉस्पिटल से वंदना जी आ चुकी हैं और गणेश चतुर्थी है और अध की मूर्ति भी बप्पा की बनके तैयार हो गई है सभी गणपति के भजन गा रहे हैं और राजेश वागले वहीं पर वंदना को हॉस्पिटल से लेके आते हैं यानी कि इस बीच दस दिन का वक्त गुजर चुका है गणेश चतुर्थी का जो ये पर्व है वंदना जी हॉस्पिटल से आके मनाती हैं अपने परिवार के साथ और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि गणपति का जो कुर्ती बैठाया गया है उसे अदर्व नहीं बनाया है तो उसके बाद यहाँ पे आरती होता है तो बहुत अच्छा से पति पत्नी आरती करते हैं यानी कि राजेश जी और वन्ना जी मिलकर आरती करते हैं श्रीनिवास जी भी आरती करते हैं राधिका जी आरती करते हैं यानि कि सभी लोग वारी वारी से आरती करते हैं और काफी इस समय का सीन काफ़ी अच्छा है बहुत ही धार्मिक सीन है और पूरा घर जो है बप्पा के मतलब सभी लोग बप्पा के जय गणपति बब्बा मौर्या करके चिल्ला रहे हैं और खुद वंदना जी भी बप्पा का नारा लगा रही हैं गणपति बब्बा मौर्या उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं जो फ्लैट के लोग हैं और फिर वंदना जी को लेके बच्चे और राजेश वागले उनके रूम में आते हैं अपना रूम देख के वन्ना जी हैरान हो जाती हैं कि मेरे दस दिन हॉस्पिटल में रहने पे बच्चों ने क्या किया है बच्चों ने चारों तरफ इनका पोस्टर इनकी अलग अलग छवि के साथ लगाई है और ये इनकी अलग अलग छवि की जो पोस्टर है उसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्यान करते हैं आदर और सखी कि मम्मी कभी तुम ये बन जाती हो तो ऐसा बोलती हो कभी तुम वो बन जाती हो हमारे लिए तो वैसा बोलती हो अपने इतने रंग बिरंग के पोस्टर अलग अलग छवि में देखकर वंदना को काफ़ी अच्छा लगता है वो बच्चों को गले लगा लेती है कि बच्चे उसे कितना प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हें ये वाली छवि पसंद आती है जिसमें कि वो डिटेक्टिव टाइप की बनी हुई है अब इस खुशियों को वो अपने बच्चों को गले लगाकर समेट लेती हैं राजेश वागले को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि ये जो हमारा पूरा परिवार है फिर से एक हो गया है और वंदना भी जो है पूरी तरह से अब धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी अब इधर फिर से एक बार पूरा परिवार बैठा हुआ है यानी कि सास ससुर और मनोज विद्या सभी यानी कि श्रीनिवास जी राधिका जी सभी को यानी कि पूरा का पूरा परिवार भी बैठा हुआ है और सोसाइटी के भी एक दो लोग आए हुए हैं अब यहाँ पे सभी लोग वंदना से खुलकर मिलने के लिए आए हुए हैं और सभी वंदना से उसके अनुभव पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा था हम तुम्हारे लिए लिए यहाँ पर इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे हमें बहुत खुशी है कि तुम वापस इस तरह से इतना अच्छा से आ गई हो अब तुम्हें अच्छा से खाना पीना है अच्छा से रहना है यानी कि ये सारी औपचारिक बातें जो होती हैं वो हो रही हैं ज्योति जी हैं विद्या हैं सभी बैठे हुए हैं लेकिन अगर कोई नहीं है यहाँ पे तो वो है जोशीपुरा पूरा जी मिलने के लिए क्यों नहीं आ पाए हैं ये तो हम लोग बाद में जानेंगे लेकिन अभी यहाँ पर फैसला लिया गया है कि वन्ना को आराम करना जरूरी है इसलिए बाहर में अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दो तो जाते जाते सभी वहां पे दरवाजे के बाहर नो एंट्री का बोर्ड भी लगा देते हैं अब होता क्या है कि जब नो एंट्री की बोर्ड लग जाती है तब जोसी पूरा जो है अपनी पत्नी यामिनी के साथ वन्ना भाभी के लिए बहुत सारा गिफ्ट लेके बुके लेके यहाँ के आप देख लीजिए हाथ में फूल है बुके है लेके आते हैं और उन्हें यहाँ पे आके बहुत नाराजगी होती है कि यहाँ पे ये किसने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है तो हर्षद और ज्योति जी कहते हैं कि अब बन्ना भाभी को आराम की जरूरत है इसलिए ये नो एंट्री का बोर्ड लगा रहेगा अभी आप उनसे मिलने के लिए नहीं जा, पा, जा सकते हैं तो इसपे जोशी पूरा गुस्सा जाता है और कहता है मुझे मेरी परम पूज्य बंदना भावे से मिलने से तू नहीं रोक सकता है मैं इतने सारे उनके लिए उपहार लेके आया हूँ तो इस पर यामिनी कहती है कि लेकिन अभी जब नो एंट्री का बोर्ड लगा है और आप उन्हें पूजनीय मानते हैं तो आप भी तो चाहेंगे कि वो आराम करे तो इस पर जोशी पूरा कहता है हाँ ये तो बात है तो फिर अभी मत जाइए यामिनी कहती है बाद में हम लोग चलेंगे और यही बात हर्षद भी कहता है और ज्योति भी कहती है कि आप बाद में चले आइएगा उपहारों के साथ लेकिन अभी तो बन्ना भाभी को आप आराम करने दीजिए तो जोशी पूरा तो वहाँ से चला जाता है लेकिन वो हर्षद को बहुत आग दिखाता है अब अगले सीन में राजेश वागले जी को दिखाया गया है कि वो बन्ना को बेड पे लाते हैं और बन्ना की सेवा में लगे हुए हैं बन्ना भी राजेश वागले की सेवा को यानी कि पतिदेव की सेवा को खूब इंजॉय कर रही हैं राजेश वागले उन्हें दवा दे रहे हैं पानी दे रहे हैं और भी टॉनिक टैबलेट सब कुछ दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर वंदना की नज़र है उस फाइल पर जिसमें कि बहुत सारी दवाओं का यानी कि उनकी फाइल जो मेडिकल फाइल है उस पर है तो वो राजेश वागले से यानी कि अपने पति से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी सर्जरी में कितना खर्च आया है अभी तक क्या तुम मुझे इसका हिसाब दे सकते हो तो राजेश वागले वन्ना की बात को दूसरी बातों में टालने की कोशिश करते हैं लेकिन वन्ना जो है बार बार अपने ऊपर मेडिकल खर्च को जानने का प्रयास करती है लेकिन राजेश वागले किसी भी कीमत पर उसे उन्हें बताना नहीं चाहते हैं तो वो किसी न किसी बात में टाल देते हैं तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी अब हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे कि आगे अब ये कहानी क्या रंग लाती है यानी कि ऑपरेशन सफल रहा ब्रेस्ट इन प्लांट का काम भी हो गया वंदना जी का और वो लगभग ठीक होके आ चुकी हैं तो अब आगे के इलाज में क्या होगा और ये जो हमारे जोशी पूरा जी हैं किस प्रकार से यानी कि इन्फेक्शन उन्हें ना हो वंदना भाभी को इसके लिए क्या पहन के वो आने वाले हैं ये सारी चीज़ों को अब हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही बाय बाय फ्रेंड्स